बदगुमानी से मना किया गया है। लेकिन आप अगर इस मामले की टो या खोज लगाना चाहते हैं तो क्या आपको ये नहीं पता कि आपका और सुल्तान बख्त का रिश्ता किस कदर नाजुक है? बहुत हिसाब निकलता है उसकी तरफ हमारा, उससे भी मालूम होना चाहिए कि सांप का डसा तो बच जाता है लेकिन का डसा ना बचता है ना मरता है। अरे मुबारक हो सुल्तान बख्त, बहुत बड़ी खुशखबरी है भाई, हमारी हवेली का वारिस पैदा होने वाला है, सालेहा माँ बनने वाली है। क्या? बहुत बुरा हुआ, बाबा साहब और अम्मा जी का एक्सीडेंट हो गया, वो दोनों हॉस्पिटल में। क्या? वो दोनों ठीक तो हैं? ये जाकर पता चलेगा, अगर आप दोनों ने मेरे साथ जाना है तो मैं टैक्सी लेकर आया। अम्मा रबिया कहाँ गई? आहिस्ता बोल हाजरा बीबी, इन घरों की दीवारें ज्यादा ऊंची नहीं होती। मगर सूफी साहब मेरी बच्चियाँ। अरे सूफी साहब कुछ पता चला मेरी बच्चियों का? हौसला कर हाजरा बीबी। कहाँ से लाऊं हौसला, कैसे करूं सबर सूफी साहब? याद है आपको जब हमारा पहला बेटा नमूनिया से मर गया था तो आपने यही कहा था, उसके बाद बेटी हुई एक महीने की होके वो भी मर गई तो भी आपने यही कहा कि हौसला कर सबर कर। अल्लाह ने फिर बेटा दिया, उसने सिर्फ 3 सांसें ली, चौथी का उसे हुक्म नहीं हुआ, तब भी आपने यही कहा हौसला कर सबर कर। हाजरा बीबी, नहीं है मुझ में हौसला, नहीं है मुझ में सबर हाजरा बीबी जैसा सूफी साहब। अरे वो अजीम औरत तो एक पैगंबर की बीवी और एक पैगंबर की माँ थी सूफी साहब, मैं तो उनके कदमों की खाक भी नहीं हूँ। मैं कहाँ से लाऊं सबर, कहाँ से लाऊं सबर मैं? अरे 3 बच्चों को जमीन में दफनाने के बाद, 4 साल के इंतजार के बाद ये 3 नसीब हुए थे सूफी साहब। आप कह रहे हैं मैं सबर करूं, अब भी सबर करूं सूफी साहब? मेरा अब्दुल मुबीन, उसका अभी तक कुछ पता नहीं, लगता है मेरा दिल फट जाएगा, मेरा दिल फट जाएगा सूफी साहब, मुझ में नहीं है सबर। आप मर्द है सूफी साहब, जाइए जाइए शुक्राने की नफल पढ़िए जाकर कि आप माँ नहीं है, आप बाप है, सिर्फ बाप। आप जैसा पहाड़ सा हौसला सबर कहाँ से लाऊं मैं, कहाँ से? इस तरह चीखने चिल्लाने से क्या होगा, मुसीबत टल जाएंगी या बलाएं रास्ता बदल लेंगी? जा जाके वजू कर, नमाज़े हाजत पढ़, आयत करीमा का विर्द कर और सुने रब से इन गमों को सहने का हौसला तलब कर। ये औलाद तो दुनिया का माल है, इसे रहने दो। अरे इसके लिए अपने रब के यकीन को क्यों खराब करती हो तुम? मैं फिर जाता हूं, पता करता हूं, मैं परवेज खान के मदरसे में जाता हूं, शायद उसे कुछ पता हो। या
सॉरी सुल्तान साहब, ऐसा मुमकिन नहीं। क्यों नहीं? इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है, लेकिन मैं अमानत में खयानत नहीं कर सकता, और विल से बड़ी कोई अमानत नहीं होती। और आप भी ऐसा सोचना छोड़ दो, क्योंकि मरहूम सुल्तान शाह की विल के बारे में उनकी फैमिली के सभी लोग बखूबी जानते हैं। बाबा जान, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? मेरे हाथ पांव बांध दिए उन्होंने। शायद वो समझते थे कि मैं इस पूरे सिस्टम को चला नहीं पाऊंगा। इससे तो बेहतर था कि वो मुझे बेदखल ही कर देते, क्योंकि ये विल आई कैन नॉट एक्सेप्ट इट। बेहतर है आप ठंडे दिल से सोचिए, ये आपके लिए बेहतर है। फैसला अगर एक की बजाय दो अफराद करें तो उसकी क्रेडिबिलिटी पर कोई शक नहीं होगा, और इससे आपकी शादीशुदा जिंदगी मजीद मजबूत हो। और उन्हें शायद यही खौफ था कि आप बहुत ज्यादा जज्बाती हो। तो आई हेट ऑल हिज प्रिजम्पशंस अबाउट मी, आई हेट। सुल्तान साहब जी, ठीक है, देख लो, सभी को देख लूंगा, सबको देख लूंगा। रबिया, अन्ना, अन्ना क्या हुआ तुम्हें? रबिया, मेरा अपेंडिक्स। रबिया, क्या हुआ इन्हें? वो इसे अपेंडिक्स की तकलीफ हो रही है, ऑपरेशन का बताया था डॉक्टर ने, रात में भी दर्द हुआ था। रबिया, अन्ना कुछ नहीं होता, हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं ना तुम्हें। नहीं रबिया, बहुत दर्द हो रही है, मुझे यहीं कहीं ले जाएं प्लीज। ये पास ही जो हॉस्पिटल है ना, जल्दी करो वहां ले जाओ। खाना नहीं खाया? भूख नहीं है। शहरीना, मुझे नहीं मालूम कि तुम मुझे कैसा समझती हो, लेकिन मैं सैयदा आपा जैसी बिल्कुल नहीं हूं। मुझे मालूम है कि नंदों के भाभियों के बारे में किस किस्म के ख्यालात होते हैं, क्योंकि मैंने 18 साल गुजारे हैं सैयदा आपा के साथ। मुझे मालूम है कि भाभियां आते साथ ही भाइयों पर हावी हो जाती हैं, और पहले दिन ही चाहती कि नंदे जल्द से जल्द अपने घर चली जाए। सैयदा आपा ऐसी नहीं है। मुझसे बेहतर तुम्हारी सैयदा आपा को कोई नहीं जानता। तुम बहुत छोटी थी जब वो हमारी हवेली में आ गई थी। 18 साल मैंने उनकी जाबिराना तबीयत के साथ गुजारे। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं सिर्फ तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। देखो शहरीना, रिवायती किस्म का ये जो भाभियों का इमेज बना हुआ है ना, मैं इसको तोड़ना चाहती हूँ। शायद तुम मुझ पर भरोसा नहीं करना चाहती। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर हमारी दोस्ती क्यों नहीं हो सकती? हाँ, सी इतनी सी बात थी। अच्छा चलो उठो, खाना खा लेते हैं, मैंने भी तुम्हारी वजह से खाना नहीं खाया। ऐसे क्या देख रही हो? चलो तो आप खा लेती ना, सैयदा आपा को पता चलेगा तो फिर से डांटेंगी मुझे। चलो कोई बात नहीं, अब दोनों चल के डांट खाते हैं। आ जाओ, आ जाओ। तो लेट्स गो। मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ, बल्कि आप दोनों मेरे साथ चलो तो डॉक्टर इनकी हालत देख के जल्दी चेकअप कर लेगा। नहीं, मैं नहीं चल सकती। मैं करता हूँ किसी से बात, मैं अगर सहारा दूं तो साथ। आप देख नहीं सकते कि वो नहीं चल सकती? आप प्लीज जाकर डॉक्टर को बुला लाएं कि उसके मरने का इंतजार कर रहे हैं, प्लीज जाएं। मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, बल्कि स्ट्रेचर ला रहा हूँ। रबिया, रबिया चलो यहाँ से।
तुम्हें वाकई कोई तकलीफ नहीं है? नहीं रबिया, रबिया मुझे शख्स में धोखा दे रहा है और अभी अभी तो हम जा भी सकते हैं, चलो। लेकिन हम बाहर कैसे जाएंगे, वो टैक्सी वाला। रबिया यहाँ से तो निकलो, चलो। अरे आप दोनों यहाँ? सूफी साहब तो ठीक है ना? इसका मतलब वो सही कह रहा था। कौन? परवेज खान। उसने हमसे कहा कि अम्मी और बाबा साहब का एक्सीडेंट हो गया। क्या? कब? हमें खुद कुछ सही से नहीं पता, आप बस हमें हॉस्पिटल से ले जाएं। मगर प्लीज प्लीज वो आ जाएगा, और अगर खुदा ना खास्ता वो एक्सीडेंट वाली बात सच है भी तो भी आप हमें यहाँ से ले जाएं। अच्छा ठीक है, कहीं बैठ के बात करते हैं, आप आइए मेरे साथ। चारी चीजों का क्या कसूर है? आप इन्हें क्यों पटक रहे हैं? तुम यहां से दफा नहीं हो सकते? अगर मैं यहां से दफा ना हूं तो क्या आप सब कुछ तोड़ डालेंगी? देखो तुम्हें मॉम ने रखा है ना, जाके उनका सर खाओ, यहां क्यों चिपके बैठे हो? भाई उन्होंने मुझे एक जॉब दी है। तो ये कि आए चलें बाहर इस बंद कमरे से और फ्रेश हवा में आपके मिजाज को ठीक किया जाए। देखो पहले मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तुम्हारी ये बकवास इट्स नॉट हेल्पिंग, बेहतर होगा तुम जाओ यहाँ से, जाओ, गेट आउट। मॉम क्या मुसीबत, क्या अजाब मेरे सर पर लाकर बिठा दिया आपने, इसे कहीं यहाँ से जाए लसूड़ा कहीं का। नैनतारा बिहेव योरसेल्फ। ड्यूटी इज ड्यूटी और फिलहाल मेरी यही ड्यूटी है। मॉम इसे कहें यहाँ से चला जाए, मैं इसकी प्रेजेंस मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? हाँ मैं अब और प्रिटेंड नहीं कर सकती, आई एम टायर्ड। कुरैशी की तरफ आज बहुत ग्रैंड गेट टुगेदर है और उसने खास तौर पे तुम्हें इनवाइट किया है, तुम्हें जाना होगा। और ना जाऊं तो? इससे ज्यादा मैं तुम्हें ढील नहीं दे सकती। और आज तो मोबी द सिंगर के फंक्शन में रुनुमाई है, इसने जिंगल गाया है। सुपर्ब, कुरैशी बहुत एक्साइटेड है। तुम्हारे पास तैयार होने के लिए आधा घंटा है। एंड आई मीन इट। शाम हो चली है। शाम तो हो गई, सोचा था जिंदगी की शाम होने से पहले पहले कुछ ना कुछ फर्ज पूरे हो जाएंगे, मगर क्या पता था। आप ठीक तो है ना सूफी साहब? आप तो परवेज खान के पास गए थे, वो मिला, शायद उसे कुछ पता हो। वो तो मदरसे से छुट्टी लेकर सुबह का अपने गांव गया हुआ है। गांव? उसने आपको बताया था कि उसने गांव जाना? कल शाम मेरी उससे बात हुई लेकिन उसने कोई जिक्र नहीं किया, शायद अचानक कोई। सूफी साहब आप बुरा ना मनाए तो मैं इर्द गिर्द के घरों से जाकर उन दोनों को पता करूं। किसने लगता है अब हमें यहां से भी जाना पड़ेगा। क्या मैं और आप? अरे तो और कौन है यहाँ? हम ना रबिया। सूफी साहब आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। नहीं वो बाजार में है ना रफीक,
मैं गुजर रहा था, वो मुझे कहने लगा कि सूफी साहब आप तो टैक्सी में बैठ के जा रहे थे, तो मैंने समझा कि आप चले गए, आपको कहीं और घर मिल गया है। टैक्सी में? अरे वो दोनों, आप कैसी बातें कर रहे हैं सूफी साहब, वो बताए बगैर घर से निकलेंगी, वो भी टैक्सी में, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे हुआ है, हुआ है अजनबी भी हुआ है ऐसा, अरे भाग गई है वो घर से। सूफी साहब, अरे हाँ मेरी बच्ची आ गई, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र। अरे से होना बेटा, क्या हुआ था? अरे कहाँ ले गया था इनको? पर बाबा साहब, बाबा साहब यही तो बचा कर लेकर आए हमें परवेश के चुंगल से, वरना परवेश, परवेश कहाँ जा रही हो? कॉलेज। खत्म नहीं हुआ तुम्हारा कॉलेज? मतलब? मतलब ये कि तुम्हें कहा गया था कि तुम आइंदा कॉलेज नहीं जाओगी। एक बात तो बताएं सैयद आफा, 18 साल हो गए हैं आपकी शादी को और हुसैन लाला की हवेली में तो आपका मुकम्मल कंट्रोल है, फिर भी आप यहाँ की हुक्मरानी से दस्तरदार नहीं होना चाहती, क्यों? इसलिए कि तुम और तुम्हारा भाई बेलगाम घोड़े जैसे सर पर भागना चाहते हैं, उनको लगाम डाल सको। और ये मत पूछो कि हक मुझे किसने दिया, बाबा जान ने ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी, और अब तुम्हें भली लगे या बुरी मुझे इसकी परवाह नहीं, लेकिन तुम मरे हुए बाप से किए बातें निभाओ, और जल्द अज जल्द मैं इस जिम्मेदारी निभाना चाहती हूँ, तुम्हें इस तरह बेसहारा नहीं छोड़ सकती। इस सब के बावजूद मैं कॉलेज भी जाऊंगी और वो सब कुछ करूंगी जिसकी इजाजत मैं अपने भाई से ले चुकी हूँ, और आप अगर भूल नहीं रही तो बाबा जान मर चुके हैं, इस हवेली की जिम्मेदारी अब लाला के पास है और मैं उनसे इजाजत ले चुकी हूँ। खुदा हाफिज़। शरीना रुक जाओ, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे हक में। मैं सालेहा भाभी नहीं हूँ सैयद आका, जो आपके रोब में आ जाऊंगी, आप ही की बहन, अपनी बात मनवाना अच्छी तरह जानती हूँ, रोक नहीं सकते आप मुझे। ये कौन है?
इंतजार है। अस्सलामुअलैकुम मैडम, ये तोहफा भेजा है शाहजी ने छोटी बीवी के लिए। नहीं मां, हम ये तोहफा कबूल नहीं कर सकते। ले जाओ इस तोहफे को वापस और कह दो अपने उस शाहजी से कि बची कुची दौलत को शहर के कुत्तों में तकसीम कर दे। खैरात नहीं चाहिए हमें। पागल हो गई तुम? तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया। ठीक है बेगा, तुम शाहजी से कहना कि बीबी शुक्रिया बोल रही थी, और उनसे कहना कि कल डिनर हमारे साथ करें, हम उनका इंतजार करेंगे। आना ना भूले। मॉम नहीं, जाओ गुलजार तुम जाओ। नहीं, लेके जाओ उसको वापस, मुझे नहीं चाहिए ये गाड़ी, आग लगा दूंगी इसको मैं। लेके जाओ इसको वापस, छोड़िए मुझे मॉम। लानत पड़े उस चाची पे और उसके इस तोहफे पे, खुदा की मार पड़े उस पे, जलीलों खुआर हो जाए वो पूरी दुनिया में। की औकात भूल रही हो तुम? ये जिस जमीन पे पांव जमा के खड़ी हो ना तुम, और ये जो छत है तुम्हारे सर पे, ये सब किसका दिया हुआ? वो सब उसी शाह का दिया हुआ है। हड्डी के साथ बोटी मिल रही है तो हाजमा खराब हो गया तुम्हारा। बदबख्त, अगर तुझे किसी और का ख्याल नहीं है तो उस बूढ़ी माँ का ही ख्याल कर जिसने दिन गिन गिन के ये वक्त गुजारा है। और अब अगर तेरी जबान से शाहजी के खिलाफ एक भी लफ्ज निकला तो मैं तेरी जबान गुद्दी से खींच लूंगी, सर पे ही चढ़ती जा रही हूँ। नहीं मां, चला। नहीं सूफी साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं कभी कभार आपकी खिदमत में हाजिर हो जाया करूं। नहीं, मैं नहीं जानता सूफी साहब कि आप मुझसे क्यों नाराज हैं। देखो, बहुत शुक्रिया जो तुम उनको यहां तक लेकर आए हो। रात बहुत हो गई है, अब तुम्हें चलना चाहिए। आज से पहले तो आप मुझे बहुत पसंद करते थे सूफी साहब। जिस तरह आपने मुझे अपने घर में रखा, पढ़ाया, कुरान की तालीम दी, और तुम्हारे अलावा सैकड़ों को मैंने पढ़ाया, कुरान की तालीम दी, अब इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि मैं उन सबको अपने घर के अंदर आने की इजाजत भी दे दूं। सूफी साहब, जिस तरह किसी बच्चे को अपनी मर्जी से पैदा होने का हक नहीं होता, ये हक नहीं होता कि वो गरीब वालदैन के घर पैदा हो या अमीर वालदैन के, इसी तरह मुझ जैसे बच्चे जिन्हें अपना हसब नसब मालूम नहीं, क्या वो अपनी मर्जी से पैदा होते हैं या फिर ये उनकी तकदीर का फैसला होता है? अब मैं तुमसे बहस तो नहीं कर सकता। मुझे आपके रवैये ने बहुत मायूस किया है सूफी साहब। जब तक मैं खुद को खोज नहीं लेता, मेरे माँ बाप कौन थे ये जान नहीं लेता, अपनी ही नजरों में गिरा रहूंगा, तो फिर आपके सामने कैसे खड़ा रह सकता हूं? आप ठीक कह रहे हैं, मैं चलता हूं। खुदा हाफिज। सुल्तान बाग, मैं सुबह से तुम्हें फोन कर रही हूँ, मेरी कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रहे थे? इस्लामाबाद जा रहा हूँ कल। यूं अचानक, खैरियत तो है? जाहिर है, कोई ना कोई काम होगा इसीलिए जा रहा हूँ। बाबा जान की वसीयत के बाद अब अपने सर्वाइवल के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, हाथ पांव तो मारना ही पड़ेगा। हर वक्त तो आपकी उस चहीती के पीछे हाथ बांध के खड़ा नहीं रह सकता। मैं तुम्हारी कैफियत समझती हूँ। यकीन करो, अगर बाबा जान हयात होते तो मैं खुद लड़ती इस बारे में तुम्हारी। हरगिज़ नहीं, आपकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि आपकी शादीशुदा जिंदगी को ऑक्सीजन जो मिल रहा है। इतने बदगुमान हो मुझसे? एक बात याद रखो, अगर सालेहा या सुल्तान, इन दोनों में से किसी एक का साथ देना हो ना मुझे, तो मैं अपने बाप के वारिस के साथ खड़ी होंगी। वारिस? उड़ा ले मेरा मजाक वारिस कह के।
आप नहीं उड़ाएंगी तो और कौन उड़ाएगा? बेपर का शाहीन जो प्रवास तक नहीं भर सकता, मैं बाबा जान को इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। अच्छा छोड़ो ना, जो काम शक्कर से हो सकता है उसके लिए दिल कड़वा करने की क्या जरूरत है? देखो तुम इस्लामाबाद जा रहे हो, यकीन करो मैं आई ही इस वजह से थी तुम्हें ये कहने के लिए कि सालिहा को अपने साथ ले जाओ। बाबा जान के अचानक चले जाने की वजह से तुम्हारा हनीमून भी रह गया था। कैसी बातें कर रही हैं सैयद आपा? जिस औरत की मैं शक्ल नहीं देखना चाहता उसके साथ मैं हनीमून पे चला जाऊं? कुछ वक्त तो मुझे तन्हा रहने दें। बेवकूफ ना बनो, होश के नाखून लो कुछ। यही वक्त है सालिहा को शीशे में उतारने का। मेरी बात सुनो, अपने जहन को इस कठिन वक्त के लिए तैयार करो। देखो बच्चे की पैदाइश के बाद उसकी मसरूफियत का बहाना बना के उसे पावर ऑफ अटर्नी ले लेना। मेरी बात समझ रहे हो ना? क्या मुमकिन है? क्यों मुमकिन नहीं है ना? मर्द साथ हो तुम, अब तुम उसके पीछे कलम और चेकबुक लिए घूमते रहोगे क्या? मेरी बात मानो, बच्चा पैदा हो जाने दो, मैं हुसैन शाह से खुद काम करवाऊं। कहां जा रहे हो? सालिहा से ये कहने कि अपना सामान पैक करे, कल सुबह हम इस्लामाबाद जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करो बेटा, उसने सर छुपाने को आसरा दे दिया। लेकिन बाबा ये कितना छोटा और तंग है। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते, उसमें से कीड़े नहीं निकालते। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सूफी साहब कि उसने अपनी छत दे दी, वरना जितने दिन हम उस गैर आदमी के घर रहे ना, सही सही रात मेरा दिल तो पत्ते की तरह कांपता रहता था। वो चलो अब तुम जरा सफाई वगैरह देख लो, मैं कुछ खाने को लेके आता हूँ। और हाँ, वो मुश्ताक को भी फोन करता हूँ कि हमारा कुछ थोड़ा बहुत सामान सुबह हमें पहुँचा दे, वादा किया था उसने। वो तो ठीक है सूफी साहब, लेकिन मैं कह रही थी कि ये मुश्ताक हवेली का बंदा है और सैयदा का तो खास आदमी है। अगर सैयदा के कान में भिनक पड़ गई ना कि हमारा सामान उठ गया है, तो वो उससे जरूर पूछेगी, तो ये उसे बता तो नहीं देगा। हाजरा बीबी, कहे तो तुम सही रही हो, लेकिन अब कुछ जरूरी सामान तो चाहिए। अब इतने पैसे तो हैं नहीं कि फौरी तौर पे कुछ खरीद लिया जाए। आप मुश्ताक को फोन करके ये कह दें कि वो सामान यहाँ नहीं किसी और इलाके में भिजवा दे, तो वहाँ से आप गाड़ी में लाद के ले आइएगा। ठीक कह रही हो तुम, तो फिर सुबह उसे फोन करता हूँ। हजार बार तुम्हें तोते की तरह लिटवा चुकी हूँ, थोड़ी डिप्लोमेसी सीखो। हालात के मुताबिक खुद को होल्ड करना आना चाहिए तुम्हें, अगर नहीं मुर्गे की वही एक टांग। सबके जाऊं सुल्तान बख्त का फोन है, बात करो उससे और उसे कल डिनर पे इनवाइट। नैनतारा बात करो। नहीं करनी मुझे बात। तुम बात नहीं कर, नहीं करनी तुम्हें बात। बात करो, चलो। अच्छा अच्छा अच्छा, बाहर छोड़े छोड़ते हो, बात करो। अभी तक नाराज हो? नहीं, मेरे पास ये हक ही कहाँ। अरे भाई, सब हकूक तुम्हारे ही हैं,
बस थोड़ा सा इंतजार कर लो, हर ज्यादती का इजाला कर दूंगा। शाहजी प्लीज, आज के बाद आप मुझसे कोई वादा नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो मैं उस पर कभी यकीन नहीं करूंगी। फोन किस लिए किया था आपने? क्यों, मैं तुम्हें फोन नहीं कर सकता। फिर भी मिस करना। मैंने फोन इसलिए किया था कि तुम्हारे साथ डिनर पे जाना था और मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे आउट ऑफ सिटी जाना है, तो सोचा तुमसे एक्सक्यूज कर लूं। क्यों शर्मिंदा कह रहे हैं शाहजी, आपको तो साथ होना है। डिनर तो बड़ी मामूली सी बात है, और वैसे आप अपने दिल पर बोझ क्यों लेते हैं? हम है ना आपके हर जुल्म का बोझ सहने के लिए। गाड़ी का शुक्रिया तो अदा कर दो। लगता है तुम्हारी नाराजगियों दूर नहीं होगी। चलो वापस आता हूँ, फिर मिलते हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय। क्या चाहते हैं आप? कितनी बार बताना पड़ेगा कि हम तो सिर्फ आपको चाहते हैं। Shut up. Thanks. At least आपने मेरी कॉल तो रिसीव की। मैंने कॉल सिर्फ इसलिए रिसीव की है कि अगर आइंदा तुमने मुझे कॉल की तो मैं आपको फिर रिसीव करनी पड़ेगी। थैंक्स अगेन। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। इम्पॉसिबल। वैसे ऐसे बहुत सी इम्पॉसिबल बातें हैं जिनको मैं पॉसिबल कर चुका हूँ, वरना इस वक्त आप मेरा फोन ही ना सुन रही होती। मैं फोन बंद करने लगी हूँ। शेरीना, आप कुछ देर पहले रोई हैं क्या? क्या? Are you mad? मेरा दिल कहता है आप बहुत देर तक रोती रही हैं। क्या किसी ने आपको कुछ कहा है? मैं आपकी लोनलीनेस को समझ सकता हूँ। मुझे पता है हवेली की ऊंची दीवारों के अंदर आपके पास अपनी लोनलीनेस शेयर करने के लिए कोई नहीं। मैं आपकी तन्हाई शेयर करना चाहता हूं। इसे कैसे पता चला कि मैं रोई हूं? बहुत ज्यादा। शुक्र है, ये सामान आ गया बेटा। अल्लाह भला करे उस मुश्ताक का। अब फिर देखो ना, थोड़ी सी सफाई के बाद ये घर कितना अच्छा लगने लगा। अम्मी, अब हम यहाँ रहेंगे। क्या मतलब है, और कहाँ जाएंगे बेटा, यहीं रहेंगे। अम्मी देखिए ना, ये कितना छोटा और तंग है, दीवारें और छत तो देखे, ऐसे लगता है आप ही ऊपर आकर गिर जाएगी। रबिया, अल्लाह ना करे ऐसी बातें नहीं करते। अम्मी आप इसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान ना दें, ये तो किसी हाल में खुश नहीं रह सकती। और तुम हर बुरी से बुरी जगह पर भी खुश रह लेती हो। तो रुपया रहना पड़ता है ना। मैं नहीं रह सकती अम्मी, मेरा तो अभी से दम घुटना शुरू हो गया इस तंग दोरो दीवार में। ना शुक्रपन मत करो बेटा,
जिस अल्लाह ने ये छोटी सी जगह दी है बेटे, वो बड़ी भी देगा। उसी के अख्तियार में सब कुछ है। इससे अच्छा तो हमारा गांव वाला ही घर था, कम से कम चार कदम चल फिर तो लिया करते थे। और मुझे अच्छी तरह याद है कि तुम उस घर में भी खुश नहीं थी। और उसी नाशुक्रेपन की वजह से हमसे वो छूट गया। मत किया करो इस तरह की बातें, खबरदार आइंदा इस तरह की कोई बात की तो। जाओ जाकर वजू करो, तुम्हारे बाबा साहब मस्जिद से आने वाले। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उनकी नौकरी का बंदोबस्त भी हो गया। बस अब एक अब्दुल मुबीन का पता चल जाए ना, तो मेरे दिल को सुकून आ जाए। अम्मी, आपने बात की बाबा साहब से अब्दुल मुबीन के बारे में? अरे नहीं बेटा, वो तो उसका नाम भी सुनना नहीं चाहते। अम्मी, बाबा साहब से कहना एक फोन ले लें। रबिया। क्या अम्मी, जरूरत है आजकल की? हर अरे गहरे के पास है, हमारे पास ही नहीं है, होना चाहिए। अपनी ख्वाहिशात को जितना बढ़ाओगी ना, उतनी ही परेशान हो जाओगी। अपने नफ्स पर काबू पाना सीखो। अम्मी आप छोड़ें इसको, वो मैंने आपसे कहा था बाबा साहब से बात करने के लिए जॉब के बारे में, आपने बात की? नहीं बेटा, वो इस किस्म की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। परवेश के वाक्य के बाद वो बहुत मोहतात हो गए। तुम दोनों का किसी भी काम से घर से बाहर निकलना उन्हें गुस्सा दिला सकता है बच्चे। लेकिन अम्मी, ऐसे कैसे गुजारा होगा? हो जाएगा बेटा, अब भी तो हो रहा है ना, आइंदा भी अल्लाह कर देगा इंशाल्लाह। चलो आ जाओ तुम दोनों, आ जाओ शाबाश। बस अल्लाह अल्लाह करते रहो, सब होता जाएगा। साथ खैरियत के जाओ, साथ खैरियत के आओ। और देखो सालेहा, सुल्तान भूले तो भूल जाए, लेकिन तुमने अपना बहुत ख्याल रखना है। वक्त पे खाना खाना है, और डॉक्टर ने जो जो दवा तजवीज की है ना, वो भी लेनी है। मैं फोन करती रहूं। इसीलिए तो कह रहा था सैयद आपसे, अब आप नसीहतें कर रही हैं। इसको ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर से परमिशन लेकर इसका चेकअप करवा कर भिजवा रही हूँ, और आउटिंग से बच्चे की सेहत पर असर पड़ेगा। और वैसे भी तुम दोनों को थोड़ा वक्त मिलेगा एक दूसरे को समझने के लिए। लेकिन मुझसे हर बार ये ऐसा नहीं हो सकता। क्या मतलब? मतलब ये कि सिर्फ इनके टाइम के लिए मैं इतना ट्रैवल नहीं कर सकती आपा। तुम देखना, एक बार अल्लाह ताला हमारे भतीजे को इस हवेली में भेजेगा ना हमारा आंखों का तारा बनाकर, तो सुल्तान बख्त मार के सारे काम भूल जाएंगे। शेरीना नजर नहीं आ रही, कहाँ है ये? फिर कॉलेज गई हुई है। बस तुम लोग जरा हो आओ ना, तो इसका मसला भी निपटाना है मुझे। अच्छा खासा रिश्ता तय किया था इसने तो, जैसे मेरी रातों की नींद उड़ा दी। अच्छा ठीक है सैयदा, आप अपना ख्याल रखिएगा, और शरीना से मैं फोन पे बात करता हूँ। ठीक। और देखो अभी शकूर को फोन करती हूँ मैं कि वो कोठी खुलवाए, चीजें साफ करवाए, कमरे वगैरह ठीक करे तुम्हारे आने। नहीं नहीं सैयदा, उसकी जरूरत नहीं है, मैंने होटल में बुकिंग करवाई है। ये होटल क्यों जाओगे? इतनी शानदार कोठी है वहाँ, बाबा जान ने इतने शौक से बनवाई थी, किस दिन के लिए? नहीं नहीं, वहाँ पिछली बारिशों में पानी आ गया था, सारा घर में पानी खड़ा था, मैंने मजदूर लगाए हैं, काम कर रहे हैं वहाँ पे, रेनोवेशन चल रही है। लेकिन शकूर ने तो मुझसे कुछ भी नहीं कहा, अभी परसों मेरी उससे बात हुई है। ठीक है, मैं वहाँ पहुँच के कॉल कर दूंगा। हाँ देर, खुदा हाफिज़। चल के कहीं बैठ जाए। मारे आपका थप्पड़ ही सही, कुछ तो नसीब होगा। इतनी आवाज नीची रख रबिया, तुम्हारे बाबा साहब आने वाले। अगर हम बोलेंगे नहीं तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है? और आपको पता है ये सब कुछ इस सामना की वजह से हुआ है। ना हम उस घर से निकाले जाते, ना इस दड़पे में आते, और ना इस किस्म के लोग मुंह उठाकर हमारे रिश्ता लेकर आते। न तो और कहां से रिश्ते आते तुम्हारे लिए रबिया बीबी? सुना है बड़े बूढ़ों से कि सुर्ख आंधियों के तूफान आते हैं। आपने कभी देखा है ऐसा तूफान? नहीं, और मैं देखना भी नहीं चाहती।